दुर्वासा कृष्ण की परीक्षा लेते, वैसे कृष्ण परीक्षा लेने चाहिए तो दुर्वासा लेते। वो खीर लाए, दुर्वासा मुनि आए, खीर लाए कृष्ण। रुक्मिणी जी ने बड़ी ड्राई फ्रूट डाल के खीर बनाई, केसर टपाटप, एकदम पतली नहीं गाढ़ी गाढ़ी, ऐसे खीरानंद बनाया। खीर भी नहीं, खीरानंद, गाढ़ी गाढ़ी खीर। और दुर्वासा ने बड़ा पिया, मूछ मूछ सारी गीली गीली हुई थोड़ा सा। फिर बोले कृष्ण को कि ये पूरे शरीर में लगा दो। और रुक्मिणी की शक्ल देखी कि कैसे लग रहे, क्या कर रहे। कृष्ण ने कोनी मारी, शक्ल मत बनाना, है तो प्रसाद है, ज्ञानी का प्रसाद है। और सारे शरीर में चिपका दी। बोले चलो रथ जो तो हमारा। अब रुक्मिणी को फिर देखा उन्होंने। दुर्वासा ये तो जानते थे कि कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रुक्मिणी को कैसा लगेगा कि झूठी खीर मेरे पति को चिपकाने को बोल रहे हैं, कैसा बाबा है। कृष्ण ने कहा तुरंत उसकी शक्ल वकल बने। कृष्ण थे, अपने भक्तों की रक्षा करना तो उनका कर्तव्य है। देखो रुक्मिणी, देखो ये वो दुर्वासा है जो शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए। दृष्टि बदल गई, शिव के उस अंश का अंश अवतार है, क्रोध से उत्पन्न हुए। और शिव जी के जटाओं से गंगा निकलती है तो हम उसमें डुबकी लगा के पावन होते हैं, शरीर निर्मल होता। ये तो डायरेक्ट मुख से निकल रही है, लगा लेते हैं लगा लेते हैं। ये कृष्ण की दृष्टि है, विरोध नहीं है कहीं पर किसी बात का। हमारे चित्त में विरोध है ना, ऐसे आए देखो अकल जय कहीं, आवड़ा मोटा साधु संत है आने के ऐठू लगाड़ दो जय कहीं। तो कृष्ण की दृष्टि देखो, रुक्मिणी को कितना तैयार कर दिया उन्होंने। यही शिव जी ने भी परीक्षा की थी वहां भोजन पंडाल में, राम जी की पंगत में साधु बन के आए भोजन करने, तो सीधा वो सीता जी पे दे मारा झूठा। ऐसा दुर्वासा ने भी ऐसा ही किया, तो वहां राम जी ने भी सीता जी को यही समझाया कि भाई ये तो डायरेक्ट छे, पेलू तो आम थी निकड़ू तो अपने घर आम करिए, आ तो ही दुआयू तो चौटाड़ देवानो। अगर विचार है प्रसाद है, पर उनकी लीला भी अद्भुत रही। संतों की और भगवान की लीला कौन समझ सकता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि या तो समता की प्राप्ति हो जाए ज्ञान से, या समता की प्राप्ति हो जाए भक्ति से। पर भक्ति में बड़ा अद्भुत ताकत होती है, बिना शरण ग्रहण करे किसी को कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नहीं। एक गुरु का दास बन के रहे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का दास बनेगा तो गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। सब आपस में खिलवाड़ करते रहते, अपने प्यादे की तरह उछलते रहते, उछाल ले भाई तेरे को जो करना कर ले। भगवान का दास बनने से गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु का दास बनने से फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बस इतना सा खेल है। अहम को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। अपन बड़े श्रेष्ठ हैं, हम दूसरे को टोकेंगे तभी जब हम श्रेष्ठ होंगे, तब जब अपने में श्रेष्ठता दिखेगी दूसरे में नीचता दिखेगी तभी वहां पर द्वंद है ना। पर हाँ, भाव अगर ये है कि मेरे भगवान की सेवा है तो उसमें गलत होना मुझे दिख रहा है गलत, तो मुझे बोलना मेरा फर्ज है। वो कह दिया भगवान, देखो कह दिया मैंने, क्योंकि मेरा कर्तव्य था, आपकी सेवा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए प्रिय हो जाओ। पूछा क्यों लेना है हमका। तो ये साधन है ना, बड़ा मध्यात्म मार्ग थोड़ा टेढ़ा है, समझ में आ जाए तो आसान है।
समझना ही बड़ा कठिन है। तो जितनी बार हम पैदा हो उस पर निरीक्षण होना चाहिए और उस पर लगाम, जहां जहां हम आया तो खत्म करो, इसकी जड़ पनपने मत दो। जड़ पनप जाएगी तो बड़े विषैले कांटे हैं इसमें, फिर तो ये ऐसे तारे दिखाती है ना, समझ ही नहीं आता। यही माया है, हम पैदा हुआ तो माया पैदा हुआ।